Hey guys, welcome back to my channel. So I will talk about chapter 1 of class 10th from UP board से, जो कि द फाउंटेन पोएट्री से हम लोग लिया था. पार्ट 1 में कुछ स्टैंसेस हम लोग ने पढ़े थे, सो आज हम लोग कुछ स्टैंसेस बचे तो उसको पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम. फुल ऑफ नेचर, कुदरत के गुणों से भरा हुआ, प्रकृति की नेचर से भरा हुआ है फाउंटेन. नथिंग कैन टेम, कोई भी इसको वश में नहीं कर सकता. टेम मतलब वश में करना, टीम वश में करना या फिर पालतू बनाना, उसकी मीनिंग है. चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, ये हमेशा बदलता रहता है अपने आप को, मतलब फाउंटेन हर मौसम में बदलता रहता है. एवर द सेम, फिर भी हमेशा एक जैसा ही दिखता है. सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, थाई एलिमेंट. सीजलेस मीन्स टू से लगातार, कॉन्टिन्यू. एस्पायरिंग मतलब ऊपर की तरफ उठते उठना. सीजलेस मीन्स कॉन्टिन्यूस, कंटेंट मतलब संतुष्ट. डार्कनेस मतलब अंधेरा और सनशाइन मीन्स रोशनी. थाई एलिमेंट उसके तत्व. सो इस स्टैंजा के जो मीनिंग हिंदी में बताते हैं हम आपको, लगातार ऊपर की तरफ उठता है और हमेशा संतुष्ट रहता है. चांद की रोशनी हो या सूरज की रोशनी हो, रोशनी यानी रात हो या दिन हो, इसका काम करना ही इसके एलिमेंट है. ये डार्कनेस और सनशाइन इसके तत्व हैं एक तरीके से. ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंज फूल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक थी. लास्ट स्टैंजा में जो पोएट हैं वो रे के कहते हैं, लास्ट स्टैंजा में पोएट फवारे को संबोधित करते हुए बोलते हैं, ओ शानदार फवारे, ग्लोरियस फाउंटेन. ग्लोरियस मीन्स टू से शानदार, फाउंटेन मीन्स फवारा. ओ शानदार फवारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे दिल को भी अपनी तरह ऊपर की तरफ उठने वाला. कॉन्स्टेंट मतलब ऊपर की तरफ उठने वाला, कभी ना बदलने वाला, स्थिर. चेंजफुल मतलब चेंज, बदलना खुद को. फ्रेश मतलब ताज़ा. अपवर्ड लाइटिंग, ओ शानदार फवारे, मेरे दिल को भी अपनी तरह ऊपर की तरफ उठने वाला, बदलने वाला और ताज़ा बना दे. सो गाइस, ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया है. अब आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सी वीडियो बनाएं, पोएट्री से बनाएं या फिर प्रोज से बनाएं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू गाइस, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. But sorry guys, don't forget to subscribe my channel, like and share also.